नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं हम। तो एक बहुत ही बेहतरीन हाथ आपके सामने लेकर आए हैं और इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन मांगी है। अपने हाथ की पूरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो पूरी आप लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट करेंगे क्या कुछ यहाँ पर लाइफ में होगा। और अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, हमारे साथ जरूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। चलिए हम इस हाथ को पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। चलिए, तो अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा हाथ है, काफ़ी साइज में बड़ा है, ठीक है। और एज जो है 1998 का बर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कम से कम 24 साल उम्र है। तो क्वेश्चंस मेनली है कि लाइफ कैसी रहेगी, क्या फ्यूचर में आगे चलकर फॉरेन ट्रैवलिंग चांसेस है, तो उसको हम नोट करेंगे, ठीक है। तो हाथ जो है, जो हाथ का जो साइज़ है वो बड़ा है और यहाँ पर 80% स्क्वायरिश यहाँ पर बन रहा है। ऊपर से चौड़ा है, नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है, तो 80% स्क्वायरिश है, ठीक है। तो मेहनत अच्छी है, लेकिन कभी कभी मन में जो है आलस्य जो है आ जाता है, थोड़ा सा काम को टालने की जो प्रवृत्ति यहाँ पर नज़र आ रही है। फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है अगर कहें तो काफ़ी अच्छी है। फिंगर की प्लेसमेंट जो आपको दिखेगा काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई लंबी फिंगर है, लंबी फिंगर हमेशा सौभाग्यशाली होती हैं। अगर कोई लेडी का पाम हो या मेल का, फीमेल किसी का भी पाम हो, अगर फिंगर लंबी होती हैं तो व्यक्ति लकी होता है, ठीक है। यहाँ पर गुरु की फिंगर ज़्यादा लंबी दिख रही है, गुरु की फिंगर ज़्यादा लंबी है सूर्य से हल्की सी, और मतलब जो है इतनी ज़्यादा लंबी रही लेकिन हल्की सी लंबी है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटी जो है गुरु के मुकाबले कम होगी। मतलब यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटी काफ़ी भरपूर रहने वाली है। अगर ऐसा बात व्यक्ति टीचिंग फील्ड में भी जाए तो उस काफ़ी अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है शनि फिंगर की इतनी ज़्यादा लंबाई, ये बताता है कि जातक आगे चलकर किस्मत बहुत अच्छा साथ देने वाली है और पैसे के मामले में काफ़ी धनवान ऐसा व्यक्ति होगा, ठीक है। और सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर भी लंबी है, तो दोनों के गुण जो हैं आपको मिलने वाले हैं, सूर्य के गुण भी मिलेंगे, मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटी भी रहने वाली हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर बुध फिंगर की बात करें, बुध की फिंगर जो है थोड़ी सी वेलेंस से हल्की सी नीचे शिफ्ट है, हल्का सा यहाँ पर जो है नीचे है, और माउंट भी थोड़ा सा हल्का सा लो सेट हो रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी शर्मीलापन जो है आ जाता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। व्यक्ति आगे बोल नहीं पाता है, अपनी बात को थोड़ा सा व्यक्त करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन सभी फिंगर्स की जो थिकनेस आपको नज़र आ रही है कि जो बीच में से फिंगर जो है मोटी हैं और सिरे से जो है एंड पीरियड से जो एंड जो फिंगर का पोर है वो पतला है, तो थिकनेस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के फिंगर से नज़र आ रहा है किस्मत काफ़ी अच्छी साथ देगी आगे चलकर, ठीक है। चलिए, और अगर हम इनका, ये तो राइट हैंड हो गया, अगर लेफ्ट हैंड में भी दिखाऊँ तो लेफ्ट हैंड में भी आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन हमारा कर्म प्रधान हाथ जो है राइट होता है, तो इसलिए हम राइट हाथ को पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर थंब को देखें, थंब जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ भी नहीं है। यहाँ पर एक यव का सिंबल तो बन रहा है लेकिन ये खंडित है, यहाँ से खुला हुआ आपको नज़र आएगा, जो बताता है कि थोड़ा सा पैसों की दिक्कत जो है स्टार्टिंग में रहेगी और पैसा आएगा भी बाद में, लेकिन जो है खर्च काफ़ी अधिक होने के चांसेस होते हैं। और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिली है कि जिनकी यहाँ पर जो है यव का सिंबल खंडित हो जाता है तो वो थोड़ी फोकस में कमी आती है व्यक्ति के, ठीक है। तो ये देखने को आ रहा है। चलिए अब हम माउंट्स को देख लेते हैं, माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पहले तो सभी इनके माउंट्स बहुत अच्छे हैं, खासतौर पर गुरु का पर्वत आप देखें, गुरु के पर्वत को स्पेस कितनी अच्छी मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा गुरु का पर्वत ही घेरे हुए हैं। इस गुरु के पर्वत काफ़ी अच्छी स्पेस है, इसकी ऊपर फुलावट काफ़ी अच्छी है, और मतलब गुरु के गुण जो हैं सभी मिलने वाले हैं इनको, गुरु के जो प्रॉफिट हैं इनको मिलने वाले हैं, गुरु सब कुछ इनको देने वाले हैं, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर लाइनें ऐसी भी हैं, यहाँ पर हल्का सा एक स्क्वायर का सिंबल बनता हुआ आपको दिखेगा, जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर टीचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर टीचर ये बनना चाहें ना,
उस फील्ड में जाना चाहें। टीचर ऐसा नहीं होता कि पढ़ाने वाले ही टीचर होते हैं, टीचर कई किस्म के होते हैं, ठीक है, हर फील्ड में टीचर पाए जाते हैं, तो उस फील्ड में अगर जाएं तो काफ़ी सक्सेस इनको जातक को मिलेगी। और गुरु की गुरु का माउंट इतना ज़्यादा उभरा हुआ है तो वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है और विवाह से सभी सुख और सुविधाएँ इनको मिलने वाली हैं, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसी आड़ी रेखाएँ भी हैं तो बताता है कि जातक धार्मिक है, धर्म को मानने वाला है, भगवान को मानने वाला है, भगवान की भक्ति करने वाला है और ऐसे जातक के अंदर दया भावना काफ़ी अच्छी होती है, किसी का बुरा करना ऐसे जातक को पसंद नहीं होता, तो काफ़ी अच्छे माउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। शनि माउंट की बात करें, यहाँ से आपको दबे हुए नज़र आएंगे, ये अच्छे साइन है और भाग्य रेखा भी यहाँ पर शनि माउंट पर पहुँच रही है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि शनि पर्वत और शनि फिंगर इनकी काफ़ी अच्छी है, तो अच्छे फल इनको शनि पर्वत से मिलने वाले हैं। व्यक्ति सिस्टमेटिकली काम करने वाला नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिस्टम से बाहर रहकर काम करेगा, सिस्टमेटिकली काम करेगा। यहाँ पर पैतृक संपत्ति के निशान भी बनते हुए आपको दिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ निशान भी नज़र आ रहे हैं, कुछ खड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं जो पैतृक संपत्ति के निशान को ये बता रही हैं। देखिए पैतृक संपत्ति के निशान जो है काफ़ी कम हाथों में देखने में मिलते हैं, इसका योग होता है कि कोई दुकान, कोई घर, कोई ज़मीन जायदाद, पैसा, रुपया, गहना कुछ भी हो जो अपने पिता से, माता से, दादा से, परदादा से मतलब मिलने के चांस रहते हैं, या बाद में भी किसी व्यक्ति से अनजाने में धन प्राप्ति के योग बनते हैं, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत ठीक है, यहाँ पर हल्के से दबाव है इसके ऊपर और यहाँ पर हल्का सा दबाव है, लेकिन यहाँ पर एक नॉलेज की रेखा आपको दिखेगी, यहाँ पर शिक्षा की रेखा नज़र आ रही है, जो मैंने बताया कि टीचिंग क्वालिटी भरपूर हैं, उसमें काफ़ी अच्छे सक्सेस के योग यहाँ पर लिख रहे हैं। हल्का सा कड़ला बिजनेस भी बनता हुआ आपको नज़र आएगा, देखिए ऐसा कुछ कड़वा बिजनेस पार्शली है, पूरा नहीं है। और तो मतलब यहाँ पर ये बताता है कि बचपन से मतलब बचपन में प्रॉब्लमों का फेस इन्होंने किया है, प्रॉब्लमों को फेस किया है इनके परिवार ने और काफ़ी दिक्कतें इन्होंने सही हैं, ऐसा नहीं कि ये चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई हैं, नहीं ऐसा नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है और ये दिख भी रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत यहाँ से हल्के से आपको दबे हुए नज़र आएंगे और क्या होता है कि जब सूर्य पर्वत दब जाते हैं तो व्यक्ति जोर अधिक लगाता है लेकिन सक्सेस मिलने में थोड़ी सी देरी होती है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सूर्य रेखा मुझे नज़र आ रही है लेकिन बहुत हल्की है, देखिए आप ध्यान से नज़र देखेंगे तो हल्की सी सूर्य रेखा आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ ऐसी कुछ ऐड होती हुई दिख रही है। और ये जो पीरियड बन रहा है 28 के आसपास यहाँ बन रहा है, 28 के पास एक बहुत अच्छा भाग्य उदय इनके जीवन में आएगा, बहुत अच्छा भाग्य उदय होने के चांस हैं, क्योंकि यहाँ से एक सूर्य रेखा इनके इस पोर से मिल रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी बारीक है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ी सी बारीक हाथ नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ से सूर्य रेखा काटी भी जा रही है आपको, यहाँ पर हल्का सा कट भी है, तो आप जो है मान सम्मान को कभी ना कभी नुकसान पहुंच सकता है अपने फ्यूचर में, या फिर कोई व्यक्ति आपको किसी चीज़ में ऐसे फंसाने का योग बन रहा है, ठीक है, उससे आप बच के रहें। और थोड़ा सा कह सकते हैं बुध पर्वत जो है सूर्य की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में आप लोन वगैरह लेना चाहें या फिर कर्ज वगैरह लेना चाहें तो उसमें थोड़ा सा संभल कर आप रहें, उसमें धोखाधड़ी हो सकती है, या फिर कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा लोन ले लेता है कभी कभी कि जीवन में उसको उस फैसले का नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक और मैंने योग देखा कि यहाँ पर इनकी बुध और सूर्य फिंगर में गैप था, तो फॉरेन ट्रैवलिंग यहाँ पर 100% श्योर है कि होगी, ठीक है। और आगे भी चलकर लाइनों को देखेंगे हम। शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत आपको नज़र आएंगे थोड़े से दबे हुए, हल्का सा दबाव है इसके ऊपर। और क्या होता है कि जब शुक्र पर्वत हल्के से दब जाते हैं तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, स्टार्टिंग में चीज़ों को बनाने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे पीरियड गुजरेगा शुक्र पर्वत पर आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी, क्योंकि आपके ऊपर वाले सभी माउंट अच्छे हैं लेकिन नीचे वाले माउंट मैंने देखे कि थोड़े से दिक्कत हैं, या चंद्र पर्वत देखें या शुक्र पर्वत देखें थोड़े से कमज़ोर हैं आपके। तो विवाहित जी विवाह तो मान लीजिए आपका हो गया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लमें फेस करने को मिलेगी, अपने रिलेशन को एडजस्ट करने में, अपने इमोशन को एडजस्ट करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमें आएंगी। और चीज़ों को जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, जो हम
कह सकते हैं कि जो ऐशो आराम वाली चीज़ें उनको पाने के लिए भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें अच्छी हो जाएगी क्योंकि ऊपर वाले माउंट्स आपके अच्छे हैं। ठीक है, ऐसी चिंताएं हमेशा जीवन में लगी रहेंगी, छोटी बहुत परेशानियां हमेशा लगी रहेंगी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो है जो यहाँ पर मैं गुरु पर्वत जो है ज़्यादा जो है उठे हुए हैं। ठीक है, किसी माउंट का ज़्यादा उठा होना थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देता है, कोई माउंट हो जाए थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है, थोड़ा सा अग्रेशन आपके अंदर आ सकता है। उस अग्रेशन के कारण जो है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब होने का चांस यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा एक लाइन जो है, यहाँ से आपको दिखेगा कि एक लाइन जो है मंगल पर्वत से या फिर शुक्र पर्वत से उठकर यहाँ पर इनके विवाह रेखा से जाने का प्रयास कर रही है। इसको हम फ्यूचर में डिवोर्स की रेखा मानते हैं या विवाह टूटने का योग मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि टूट ही जाएगा, लेकिन काफ़ी हाथों को मैंने पढ़ा है तो ये देखा है कि ये चांसेस क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले माउंट्स का जो उभार है काफ़ी ज़्यादा है और जिसके वजह से ये कारण हो सकता है कि आपका विवाह में दिक्कत आए, डिवोर्स वगैरह तक नौबत पहुंच जाए, तो आपको अग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चीज़ें सत्य है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, इसके उपाय भी होते हैं, अगर आप रेमेडीज़ मांगेंगी तो मैं दूंगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और चंद्र पर्वत की बात करें, चंद्र पर्वत ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा दबे हुए नहीं है शुक्र पर्वत के अलावा। ठीक है, और यहाँ पर एक फॉरेन ट्रैवलिंग की रेखा आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक भारी रेखा जाकर यहाँ पर इनके भाग्य रेखा से जुड़ रही है, ये यहाँ पर 100% श्योरिटी होगी फॉरेन ट्रैवलिंग होगी। फॉरेन सेटलमेंट के योग भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर गैप एक बड़ा देखने को मिला है आपको, और यहाँ पर फॉरेन सेटलमेंट के योग भी हाथ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल होके रहेगी, और ये शायद विवाह के बाद हो या फिर हम एक ऐसा कैसे विवाह के बाद ही ऐसा योग बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लाइनों को देख लेते हैं, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो करती है। स्टार्टिंग में जो है लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, अंदर की तरफ भी है और एक रेखा बाहर की तरफ भी ऐसा रुझान कर रही है, तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग की लाइन है। स्टार्टिंग में हर्डल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस एज से इस एज तक जो छोटे छोटे आपको हर्डल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक प्रोग्रेस लाइन जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो एज बन रही है कम से कम मान के चले कि 40 की एज या फिर 38 की एज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, इसमें एक बड़ा प्रोग्रेस लाइफ में आएगा। कोई हेल्थ वाइज इशू नज़र नहीं आ रहा है, लाइन जो है अंदर की तरफ यहाँ पर भी है और बाहर भी जा रही है। जो मैंने फॉरेन ट्रैवलिंग की बात की, व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग करेगा लेकिन अपने अपने देश में भी आएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाकर बस जाएगा, अपने देश में भी आएगा, और ऐसे योग यहाँ पर हाथ में बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लाइफ लंबी है, लाइफ यहाँ पर लंबी है, छोटी छोटी जो हमेशा परेशानियाँ आती रहेंगी, कुछ ना कुछ दोष आते रहेंगे, देखिए चिंताएँ जो हैं इनको घेरी रहेंगी, क्योंकि जो लाइनें हैं छोटी छोटी आपको देखेगा कि लाइफ लाइन से भी जुड़ जुड़ रही हैं, कुछ अटैच हो रही हैं, जुड़ रही हैं, तो ये परेशानियां हमेशा देती रहेंगी। लेकिन 40 के बाद ऐसी कोई रेखा आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी और जो ऐसा कोई बड़ा रोल अदा करे। ठीक है, यहाँ पर एक फिश का सिंबल भी यहाँ पर बन रहा है, ये भी फॉरेन ट्रैवलिंग का योग बनाता है और ये भी विदेश में बसने का योग बनाता है। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा स्टार्टिंग में नहीं है, इसका जो ये जो जिस जहाँ से ये सूर्य रेखा ऐड हो रही है वहाँ से ही भाग्य रेखा जुड़ रही है, इसका स्टार्टिंग पीरियड 28 के आसपास ये बनता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक तो भाग्य रेखा आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ तक चली, एक भाग्य रेखा और यहाँ पर नज़र आ रही है जो आगे बढ़ रही है, मतलब 35 तक तो आपको दिखेगा लेकिन उसके बाद एक और भाग्य रेखा जो है डबल लक का साथ मिलेगा आपको 28 के बाद। 28 के बाद जो है जीवन आपका जो है जो प्रोग्रेस रेट है वो हाई जाएगा, मतलब जो भी आप चाहती हैं अपने जीवन में और जो भी आप पाना चाहती हैं आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो है लाइन फेट लाइन जो है डबल हो रही है, यहाँ से ख़त्म हुई उसके बाद एक और भाग्य रेखा जो है वह चल रही है, मतलब आप मैं कह सकता हूँ कि 35 वाली जो भाग्य रेखा, ये वाली भाग्य रेखा खत्म हो गई, यहाँ से अब नहीं चल रही है, उसके बाद एक अलग लाइन चल रही है, तो मतलब व्यक्ति अलग प्रोफेशन में जा सकता है, अलग कार्य कर सकता है, वो कार्य उसका बहुत ज़्यादा सफल होगा। ठीक है, वो कार्य उसका बहुत ज़्यादा सफल होगा और इतना ज़्यादा सफल होगा कि एंड पीरियड तक वो चलेगा, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इनके माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन कुछ ज़्यादा हमें दोष नहीं है,
आपको यहाँ पर माइनर देखेंगे कि कुछ डायरेक्ट डिक्लाइन नहीं जा रही है, लेकिन इमेजिनेशन हमेशा रहेगी क्योंकि तो यहाँ से हल्के से चंद्र पर्वत दबे हुए थे, तो इमेजिनेशन हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, कोई ऐसा दोष नहीं है। जो है परेशानियाँ जो है हमेशा चिंताएँ जो है घेरी रहेंगी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लाइनें जो है हमेशा ऐड हो रही थी, अटैच यहाँ पर करने का प्रयास हो रहा था लाइनों का, तो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियाँ मन में चिंताएँ मेंटली जो वो प्रेशर होता है हमेशा जीवन पर लगा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे पोर आपको नज़र आ रहे होंगे माइंड लाइन के डिक्लाइन जा रही हैं रेखाएँ, देखिए छोटे 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 पोर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कोई दोष नहीं है। हृदय रेखा में अगर देखें तो हृदय रेखा जो है ऐसी कुछ स्टार्ट हुई और ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शनि पर्वत, तो व्यक्ति हम कह सकते हैं कि अपने काम से मतलब रखेगा, कुछ ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यक्ति है। और ये देखने में भी आया है कि जब शनि पर्वत जो है कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या फिर अच्छे खासे बने होते हैं तो व्यक्ति सिस्टमेटिकली काम करता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, इमोशनल नहीं होता है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। हल्का सा पेट से जुड़ी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक यब का सिंबल जो है बनता हुआ देखेगा, ये बुध पर्वत के नीचे, तो पेट से जुड़ी परेशानी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, और कोई ऐसा हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो मैंने आपको कहा उसको आप ध्यान में रखें, और आपका जो लाइफ का असली पीरियड है 28 के बाद बहुत अच्छा है। 28 के बाद लाइफ जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगी, और फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट के योगी आपके हाथ में बने हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, मेरी पूरी प्रिडिक्शन है और जो मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य है, और यही जब जो है चीज़ें होने वाली हैं, यहाँ पर जो एक्यूरेसी है काफ़ी हाई है। ठीक है, इसको आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।